नमस्कार साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के दावे करे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजनाओं पर स्वास्थ्य विभाग पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा का है। यहाँ मरीजों को बेड सीट तक नसीब नहीं हो पा रही है और कड़कड़ाती ठंड में मरीजों को ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिए गए। वहीं मरीज दूषित पानी पीने को भी मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा की, जहाँ मरीजों को एक बेड शीट तक नसीब नहीं हो पा रही। वहीं अस्पताल में दूषित पानी पीने को मरीज मजबूर हैं। बीएमओ डॉक्टर तारा अग्रवाल की लापरवाही के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ ब्लड बैंक तो है लेकिन कागजों पर, वहीं औषधि केंद्र पर हमेशा ताला लटकता नजर आता है, जिससे मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि उन औषधि केंद्र में आधे दाम पर मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना होता है, तो वहीं लाखों रुपए से बना हर्बल गार्डन कूड़ादान में तब्दील हो गया है। तो का समस्या हो हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल जिसकी कराए लाने हमर बहुल है। तो हॉस्पिटल की तरफ से बेड सीट या चादर ओढ़े पर कुछ मिली? कुछ नहीं मिले, हमारे ओढ़े नहीं मिले, दसाब नहीं मिले। और खाना मिलते? खाना दी से के झन लेते खाना? एक झन ला। पेशेंट नहीं खाना मिलते? हाँ, पेशेंट नहीं खाई खा मिला थी। आप लोग कोई नहीं मिले? नहीं मिले, हम तो घर के लान के खाए। और पीने पिए के पानी की व्यवस्था है? नहीं, पानी की व्यवस्था होटल गर्म करवा के माने हैं जिसकी वाली बात। तभी हॉस्पिटल आए हो तो हॉस्पिटल के तरफ से आप मतलब डसाए बर और ओढ़िया बर कपड़ा मिले है? गर्म कपड़ा कुछ ऐसे कुछ है? नहीं मिले है, हमारे घर इधर धर के आए महिला और थान महिला दसात है। खाना मिलते आप मतलब? हाँ। खाना स्वादिष्ट रहते हैं? हाँ। डिलीवरी नहीं से भर लग देते हैं तो हमन आप बना के खाते हैं। अच्छा, का सब्जी मिले थी आज? आज दाल और गोभी, फूल गोभी। अच्छा, पानी हावे? पानी कहाँ से लाते हो आप? मन पिए बार? पिए बार हमर घर ले लाने रहे ना पिया है। तो अभी मतलब सोई हुई बार कम्बल उम्बल मिले है हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से कम्बल नहीं मिले है। हाँ। का मिले है? का व्यवस्था है हॉस्पिटल से? ये सफेद वाला चादर बस मिले है। बेड सीट मिले है? हाँ। और खाना का मिले सब्जी? अभी आलू और नवाल गोल दाल। अच्छा, एक प्लेट मिली? दो यानी एक झंडा मिली? दो झंडा मिली? एक झंडा मिली। हाँ। अपन पेशेंट है? हाँ। और पानी वानी की व्यवस्था? प्यास लगे कैसे? पानी घर से लाते? हॉस्पिटल में नहीं है व्यवस्था पानी के? नहीं। मच्छरदानी वगैरह लेक लाइस है? अच्छा, अभी जो आपने कम्बल जो मतलब है आप मन के साथ आप मन के पास में वो घर से लाए हो? हाँ, घर से लाए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा के बीएमओ डॉक्टर तारा अग्रवाल से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो वो गोलमाल जवाब देते नजर आए। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चरम सीमा से पार होता नजर आ रहा है। हम बेड सीट की बात करें या फिर स्वच्छता की बात करें, सभी मामलों में स्वास्थ्य विभाग फेल नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो किसी अनहोनी या शिकायत का इंतजार कर रहा हो। सर, अभी आपने आपका ड्यूटी अभी है, आपने अभी राउंड किया, आपने सर आप देखे होंगे कि जो पेशेंट आए हुए हैं एएनसी की बात करें, पीएनसी जो मरीज हैं उनको ना बेड सीट दिया गया है और ना ही ओढ़ने के लिए जो गर्म कपड़े होते हैं कम्बल, उसकी व्यवस्था नहीं। क्या कहेंगे सर आप? मैं ड्यूटी में अभी अभी तो जाया और राउंड लिया तो पेशेंट के पास बिछाने के लिए चादर और कंबल तो प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में पदस्थ हैं, क्या यहाँ पर सर स्टाफ के लिए आरओ युक्त पीने की पानी की व्यवस्था है? मैं पिछले 3 महीने से पदस्थ हूँ और आरओ ये आप जो बोल रहे हैं आरओ युक्त पानी, इसकी व्यवस्था तो मैं कहीं भी नहीं देखा हूँ। सर, आप ड्यूटी में आते हैं तो पानी कहाँ से पीते हैं? मैं अपना पानी अपने घर से लेकर के आता हूँ और पीता हूँ। सर, इस संपूर्ण बात की जानकारी आपने अपने उच्च अधिकारी को दिए हैं क्या? इसके बारे में मैं जानकारी तो नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं नया ही हूँ। बीच में मेरी कोरोना ड्यूटी लगी थी 2 बार, तो उसके बाद मैं बीच बीच में क्वारंटीन भी हुआ हूँ, तो इस मैं अपने ही चीज़ों में इतना व्यस्त हूँ ड्यूटी करने और अपना जो भी नया प्रोसेस, नए जगह जाने से जो नया प्रोसेस होता है
तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी तो नहीं दिया गया है। स्टॉक में नहीं है? नहीं नहीं स्टॉक में है, मिलते भी हैं मांगने से तो मिलते भी हैं। जी अभी हमने देखे तो यहाँ पर एक भी बेडशीट नहीं लगा है, क्या कहीं क्या? नहीं बेडशीट कम है जरूर, जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे बेडशीट है। किसी भी आप देखे होंगे किसी भी पेशेंट को बेडशीट नहीं मिला है और ना ही गर्म कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं। नहीं गर्म कपड़े 3-4 दिन हम लोग सुने ना, ये जो है ना रात में ही मिलते हैं अपने को, तो नहीं हमने तो जरूरत पड़ती है, किया है रात में इनको अपने घर से लाने की बात कही गई उनके द्वारा में। नहीं नहीं ऐसा ना बेडशीट है ना गर्म कपड़े उनको उपलब्ध कराया गया है। क्या यहाँ पे जो है सीएससी में गर्म कपड़े नहीं है? नहीं गर्म कपड़े उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नहीं नहीं गर्म कपड़े हैं हमारे पास है और जिनको जरूरत है उनको तो दी जाती है। जी अगर हम पानी के बारे में बात करें तो आरओ खराब है, स्टाफ के लिए भी पानी नहीं, आरओ तो ठीक हो गया है। बाहर से जो है गर्म पानी लाते हैं, क्या कहेंगे? गर्म पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है मरीज को बताइए, गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जो हमारे पीएनसी है उनको जरूरत पड़ती है, तो हम वहाँ से लेबर रूम से देते हैं उनको गर्म पानी। जो जन औषधि केंद्र है वो काफी दिनों से बंद है? नहीं अभी तो चालू हो गया है क्योंकि हमारे पास ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो पाइप्स वगैरह हैं बार बार टूट जाते थे, बार बार बनवाते थे, अभी फाइनली बनवा दिया गया है। हर्बल गार्डन के बारे में बात करें तो हर्बल गार्डन जो है कचरे में तब्दील हो चुका है, वहाँ पर घास और भूस दिखाई दे रहे हैं, हर्बल पौधे हैं ही नहीं, तो उसको फिर अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें पूरा आ रहा था मलबा, अभी हटवाया गया है उसको।